मतलब कश्मीर जाना मतलब स्कैम के बीच में जाना है ठीक है आज के इस वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा अगर आप कश्मीर का प्लान कर रहे हैं क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कितनी सारी स्कैम्स चल रही है कश्मीर में मतलब श्रीनगर में अगर आप घूमने जा रहे हो तो हर एक स्टेप पे आपसे स्कैम करने के लिए लोग बैठे हुए हैं तो जितनी भी चीजें हमें पता चली वो सारी चीजें हम एक वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में तो मैं मनीष और मैं निकिता आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं तो आप जैसे ही श्रीनगर में उतरोगे वहाँ से स्कैम होना शुरू हो जाएगा तो हमने लिस्ट बनाई है जो सबसे पहला स्कैम आपके साथ होगा वो हो सकता है होटल में ठीक है दूसरा हो सकता है आपके साथ टैक्सी वाला उसके बाद तीसरा होगा आपके साथ सिकारा में चौथा आप जहाँ पे भी घूमने जाओगे गुलमर्ग हो गया सोनमर्ग हो गया पहलगाम हो गया वहाँ पे पांचवा होगा आपके साथ घोड़ा वाली जो अगर पोनी राइड लेते हो उसमें और छठा जो है वो कई लोगों को रहना होता है हाउस बोट में तो हाउस बोट में भी स्कैम चल रहा है तो एक एक करके सारे स्कैम के बारे में हम बताते हैं तो जैसे ही हम लोग श्रीनगर में बस स्टैंड पर उतरते हैं तो हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं कि आप लोग को कितने दिन स्टे करना है कि आप लोग पैकेज ले लीजिए इतना मतलब शाम हो गया था तो बोल रहे थे इतना रात में आप लोग होटल ढूंढने कहा जाइएगा चलिए हम लोग आपको पैकेज ले लीजिए आप लोग को सब चीज़ करवाएंगे तो फिर हम लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि पीछा छूट जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सका फिर हम लोग को एक होटल के पास ले जाते हैं वो नेट पे उसका प्राइस दिखा रहा था सैंतालीस सौ तो वो बोलता है कि आप पच्चीस सौ में आप ये होटल बुक कर सकते हैं लेकिन हम लोग मतलब बोले कि हम लोग का बजट ही हज़ार है तो फिर बहुत बात होने पे पंद्रह सौ में हम लोग को ये होटल का रूम मिला तो सबसे पहला स्कैम तो आपको समझ गए मैं आ गया कि होटल में जैसे ही आप उतरोगे आपके पीछे चार पांच लोग पड़ जाएंगे कि होटल ले लो होटल ले लो ठीक है अब थोड़ा सा बता भी देते हैं कि होटल की जब बात हो रही है तो होटल आपको लेना है डल गेट पे घाट नंबर एक दो पाँच जो भी है घाट नंबर एक से दस के बीच में कहीं पे भी लेना है ममता चौक पर आप ले सकते हो और लाल चौक पर लेकिन लाल चौक दूर पड़ जाएगा तो लाल चौक पर मत लीजिएगा ज़्यादा अच्छा होगा ममता चौक पे ले लीजिए ममता चौक बहुत ही नज़दीक है आई थिंक 500 मीटर होगा डल गेट से और डल वहां पे डल गेट और डल लेक दो चीज़ है तो डल गेट बार बार बोलिएगा डल लेक नहीं डल लेक मतलब पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है तो डल गेट बोलने से वो एक चौक आता है जैसे ममता एक चौक आता है तो ममता चौक डल लेक डल गेट चौक ये दोनों जगह पे होटल कहीं पे भी लीजिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ठीक है और आपको होटल हज़ार और पंद्रह सौ के बीच में आराम से मिल जाती है हमें हज़ार वाली भी होटल मिली ग्यारह सौ वाली पंद्रह सौ वाली और सबका कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम डिटेल ये वीडियो में भी आपको डाल देंगे ताकि आपके साथ ज़्यादा स्कैम ना हो ठीक है तो पहली चीज़ पहले स्कैम आपको पता चल गया कि होटल में होगा आपके साथ कहाँ पच्चीस सौ रुपये कहाँ पंद्रह सौ रुपये में वो आ गए थे और कहाँ सैंतालीस ऑनलाइन तो समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा लूट मचा रखा है तो ऑनलाइन होटल कभी भी बुक मत करना अब आते हैं दूसरे स्कैम पे तो ये स्कैम नहीं बोल सकते ये थोड़ा सा ऐसे रेट को हाई करके बोलते हैं जैसे अगर आप बोलोगे कि हमें पहलगाम जाना है या फिर सोनमर्ग जाना है गुलमर्ग जाना है तो ये सब जगह पर आपको चार्ज करेंगे टैक्सी वाले थ्री थाउजेंड कोई फोर भी बोलेगा लेकिन आपको पहली चीज़ की शेयरिंग टैक्सी लेनी है ठीक है शेयरिंग टैक्सी वहाँ पर आराम से मिल जाता है आ, कम से कम पहलगाम और गुलमर्ग के लिए तो शेयरिंग टैक्सी में जाओ अगर दो लोग हो तो अगर पांच लोग छः लोग हो तब आप तवेरा हायर कर लो और प्राइस भी मैं बता देता हूँ जेन्यून प्राइस जो है अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो तो 55 किलोमीटर है वहाँ से और आपको 2000 से पच्चीस के बीच में लेगा बाईस सौ हमसे तेईस रुपया लिया था बहुत बारगेन करना पड़ा था तब तेईस में मान गया था अगर आप पहलगाम जा रहे हो तो पहलगाम वहाँ से अराउंड नब्बे किलोमीटर है और इसमें आपको चार्ज करेगा सत्ताईस सौ अट्ठाईस सौ तीन हज़ार तीन हज़ार तक में चार्ज करेगा और सोनमर्ग में भी आपको चार्ज करेगा तीन हज़ार तो मतलब पच्चीस सौ से तीन हज़ार के बीच में आपको कॉस्ट देनी है हर जगह पे इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है तो ये दूसरी स्कैम होगी कि आपके साथ पैंतीस सौ चार हज़ार पाँच हज़ार कुछ भी बोल देंगे तो ये बच के रहना है टैक्सी वालों से और जो टैक्सी वाले होते हैं वो बोलते हैं कि लोकल करके जाना बहुत डिफिकल्ट होगा तो आप लोग तवेरा कर लो बट ऐसा नहीं है वहाँ के लोकल टैक्सी भी बहुत कंफर्टेबल है लोकल्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता लोकल शेयरिंग टैक्सी से इधर उधर ट्रैवल करने में और हमने लोकल शेयरिंग टैक्सी ही लिया था क्योंकि हम दो लोग ही थे तो पहलगाम हम आराम से चले गए और आराम से आ गए थे नाइन हंड्रेड रुपीज़ में हम दोनों का कॉस्ट आया था नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ एक्जैक्टली ठीक है तो शेयरिंग टैक्सी में आप जा सकते हो और एक और स्कैम वहाँ पे क्या चलता है कि जैसे ही आप गुलमर्ग की टैक्सी बुक कर लिए ठीक है थोड़ी बहुत भी बर्फबारी हुई है या पुलिस वाले थोड़ा बहुत मिलके क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि नहीं टनमर्ग के आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो आपको बेसिकली जो पैसे दोगे पच्चीस मान लो आपने गुलमर्ग के लिए दिया हमने तो, तो तेईस दिया था तो टनमर्ग तक वो नहीं वो टनमर्ग तक ले जाके छोड़ देगा और फिर वहाँ से पाँच सौ रुपये पर पर्सन आपको अलग से टैक्सी करना पड़ेगा गुलमर्ग टनमर्ग टू गुलमर्ग अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हुई हो तो अब तो समझ में आता है कि जो हमारा गाड़ी है उसमें चेन लगाना पड़ता है तब वो गाड़ी ऊपर चढ़ पाती है लेकिन नॉर्मल डेज में भी पुलिस वाले मिल टैक्सी वालों के साथ स्कैम कर रहे होते हैं तो दूसरी स्कैम आपको समझ में आ गया कि टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और पहलगाम अगर जब आप जाते हो मान लो टैक्सी लेके चले भी जाते हो तो वहाँ पे भी आप लोगों को टैक्सी लेना पड़ेगा वहाँ की यूनियन जो है वो आप लोगों को टैक्सी नहीं लेने देगी बोलेगी कि ये सेम टैक्सी आप नहीं चला सकते आरू वैली बेताब वैली चंदनवाड़ी ये सब जो जगह है वहाँ पर आप लोगों को चार्ज करेगा तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आप पच्चीस सौ नहीं दे रहे पच्चीस सौ रुपया वहाँ जा भी देना है तो वो एक्चुअली में पाँच हज़ार आपका पड़ जाएगा और अगर दो लोग हो तो समझो कि आपका पूरा कट जाएगा तो इसलिए पहलगाम कभी भी अगर दो लोग हो चार लोग हो तीन लोग हो तो आप शेयरिंग टैक्सी में चले जाओ चार सौ रुपये में चार सौ से साढ़े चार सौ रुपया में अप एंड डाउन दोनों हो जाएगा पर पर्सन अब आते हैं तीसरा शिकारा पे ठीक है तो जैसे पहला दिन आप पहुंचोगे और आप आपको टेम, आप टेम्पटिंग हो गए कि अगर शाम को पहुंच गए तो लगेगा कि चलो सिकारा राइड कर लेते हैं और वहां पे चार्ज क्या करेंगे आपको आई थिंक हमे, हमें हमें स्टार्टिंग में बोला था पंद्रह सौ रुपये घंटा लगता है यहां पे ठीक है तो हमें बोला कि फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पर आवर लगेगा और हम उनको ले आए थे थ्री हंड्रेड पर आवर पे लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट में हमने पूरा अच्छे से डील नहीं किया और वो लास्ट में हमें आई थिंक एक घंटे पैंतालीस मिनट में, में ही पूरा घुमा के ला दिया पंद्रह बीस मिनट हम और घूमना चाहते थे लेकिन वो घुमाया नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि तीन सौ पर आवर से ज़्यादा नहीं देना है तीन सौ साढ़े तीन सौ ऐसे ही देना है और दूसरी चीज़ कि आपको टाइम बता देना है कि इतने बजे हम निकले हम इतने बजे वापस आएंगे तो अगर आप कंफर्टेबली घूमना चाहते हो तो डेढ़ से दो घंटे आप लेके चलो और प्लस एक चीज़ और कि आप घाट नंबर आई थिंक फिफ्टीन और सिक्सटीन ऐसा ही कुछ है नेहरू पार्क नेहरू पार्क पे उतर जाना 15 या 16 घाट नंबर है वहां से आप लोग शिकारा लेना वरना फिर ये घुमा के ले जाएंगे और आधा दूर ही आपको दिखा पाएंगे तो ये चीज भी गलती मत करना है तो मतलब ये थोड़ी मिस्टेक्स है कुछ स्कैम्स हैं जो कि वहां पे चल रहे तो बेसिकली जो भी प्राइस बोले ना उस पर

वो है रेंटल क्लोथ तो जैसे आप गुलमर्ग में जाते हो या सोनमर्ग में जाते हो तो वहाँ पे ठंड के मौसम में बेसिकली तो आपको ले जानी पड़ेगी क्लॉथ मतलब वो वाली क्लोथ जो कि बर्फ में भींगेगी नहीं या फिर बूट लेना पड़ेगा तो इस टाइप की जो चीज़ आप रेंट करोगे ना तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बोलेगा पाँच सौ रुपये छः सौ रुपये एक बंद बन, एक बंदी थी जिनसे हमारी बात हो रही थी तो वो बोलती है कि फोर थाउजेंड रुपीज़ बोल रहा था ठीक है तो इस टाइप के भी स्कैम चल रहा है तो आपको बस दो दो सौ नहीं आई थिंक ढाई सौ लिया था हमसे ढाई सौ रुपया पर पर्सन का आ, क्लोथ का मतलब जैकेट प्लस बूट दोनों का देना है तो पांच सौ छे सौ से स्टार्ट करेगा लेकिन ढाई सौ से ज्यादा मत देना यह भी एक स्कैम है वहां पे और गुलमर्ग में सबसे ज्यादा स्कैम चलता है वहां के लोग सबसे ज्यादा स्कैम करने में आगे हैं तो वहां ज्यादा बच के रहना गुलमर्ग से एक चीज और याद आया कि गुलमर्ग में जैसे ही आप पहुंचोगे ना तो वहां पे गोंडोला राइड लेने के लिए बोलेंगे कि आपको वो एक स्टेशन पे उतार देगा ठीक है टैक्सी स्टैंड में और वहां से गोंडोला राइड आई थिंक हाफ किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या हाफ़ किलोमीटर होगा वो आपको चल के जाना होगा लेकिन वहां पे टैक्सी वाले आपको फिर से पागल बनाएंगे और बोलेंगे कि वो तो बहुत दूर है आपको चल के जाना पड़ेगा बहुत टाइम लग जाएगा फिर गोंडोला राइड एन्जॉय नहीं कर पाओगे तो ऐसी कुछ भी नहीं है वहां पर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है तो वहां पर भी बच के रहना है ठीक है अब तीसरे स्कैम पे आते हैं पहलगाम में एक और है पहलगाम में पहलगाम में दो इशू आपको देखने मिल सकता है जैसे हम दोनों गए थे तो हमने क्या किया कि वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि अरे यहाँ पे तो हमें अगेन एक टैक्सी लेनी पड़ेगी ठीक है वो आरू वैली बेताब वैली और चंदनवाड़ी घूमने के लिए जिसको ए के नाम से वहां बोलते वहाँ बोलते हैं हमने वहाँ पर क्या करी एक कपल से बात करी अब कपल के साथ हम अगर जाने लगे तो वहाँ पर क्या है कि टैक्सी यूनियन वाले बोलेंगे कि आप दूसरे मतलब दूसरे जगह आए थे ये दूसरे जगह से आए हैं दोनों आप शेयरिंग करके कैब नहीं ले जा सकते इसका मतलब बेसिकली वो चाहते हैं कि दोनों अपना अपना कैब ले जाओ ताकि उनका ज्यादा फायदा हो तो आप स्टैंड से बाहर ही किसी से बात कर लो कि हम चार बंदे हैं और जाना चाहते हैं तो किसी और के साथ शेयरिंग में जाओ क्योंकि उनका कमीशन जो है वो कम हो जाएगा तो ये सारी चीजें पहलगाम में है एक और चीज वहां पे जो घोड़ा वाली राइड है ना घोड़ा वाली राइड जो है मिनी स्विट्जरलैंड ले जाएंगे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है मिनी स्विट्जरलैंड बोलेंगे वो भी तो मिनी स्विट्जरलैंड जो आपको ले जाएंगे वहां पे का प्राइस आपको चौदह सौ रुपये बारह सौ से चौदह सौ रुपए पर पर्सन लेंगे घोड़ा वाले जो घोड़ा ले जाते हैं वहां पे अभी स्कैम क्या होता है कि वहाँ पे ढाई हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार तक लोगों को मांग रहे हैं कि फाइव थाउजेंड पर पर्सन लगे क्योंकि वो दूर है तो ऐसा नहीं है बारह सौ से चौदह सौ रुपये में आप आराम से जा सकते हो तो एक तो आपका घोड़ा वाला जो है पहलगाम में हो गया अब दूसरा स्कैम चल रहा है सोनमार्ग में सोनमार्ग में भी घोड़ा वाले क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि गवर्नमेंट रेट है साढ़े सोलह सौ रुपये तो पर पर्सन आपका लग गया साढ़े सोलह सौ रुपये अब आपको लग गया ये तो गवर्नमेंट रेट है तो आप देने के लिए रेडी हो जाओगे लेकिन वहाँ पे भी आपको आठ से हजार रुपये से ज़्यादा नहीं देना है और अगर आप पैदल जा सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा ये क्लिप में आपको दिख रहा है ये हम खुद ट्रेक करके गए थे और ज़्यादा दूर नहीं है एक से डेढ़ किलोमीटर है बस एक पहाड़ी को पार किए उसके बाद कुछ नहीं आगे एकदम बिल्कुल सिंपल रास्ता है तो अब बात करें हाउस बोट की जो जो भी कश्मीर जाते हैं तो उन लोग का एक दिली इच्छा रहता है कि एक एक दिन तो हाउस बोट में बिताए तो हाउस बोट आप लोग को ऑनलाइन तो बुक करना ही नहीं है और डायरेक्ट आपको हाउस बोट देखने जाना अगर जाइएगा तो ज़्यादा तो सही रहेगा तो उसके लिए आपको शिकारा लेना पड़ेगा तो शिकारा वाले से आपको पहले ही बात कर लेना होगा कि हम लोग सिर्फ जाके प्राइस पता करेंगे और अगर नहीं पसंद आया तो हम लोग से पैसा आप नहीं नहीं लीजिएगा क्योंकि हम लोग से पैसा ले लिया था बस उधर ले जाने का वो भी बस एक हाउस बोट हम लोग देखे पसंद नहीं आया तो बोला कि मेरा तो पैसा बनता आपको देना पड़ेगा तो ये बात पहले ही क्लियर कर लेना है कि अगर नहीं पसंद आया तो हम लोग पैसा नहीं देने वाले हैं तो आप शिकारे से उधर जाओ और मतलब बाहर से ही सब जगह प्राइस पता कर लो फिर जहाँ आपको ठीक लगे उसमें जाके रूम देख नाइट बताएंगे। तो कम कराते तीन कराते, से चार हजार भी, भी बताएंगे पांच से छह हजार भी बताएंगे तो कम कराते कराते पंद्रह सौ से दो हजार मिनिमम पंद्रह सौ तक ही आते हैं उससे ज्यादा कम तो नहीं करते हैं वहाँ पे जो अभी बता रही थी कि हाउस बोट जो आपको ले जाएगा तो जो बंदा आपको ले जाएगा ना उसका भी कमीशन होता है तो आप अगर डायरेक्ट जाते हो किसी हाउस बोट वाले से आपकी डायरेक्ट बात हो जाती है आई थिंक मेरे पास एक नंबर भी होगा जो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में शेयर कर दूंगा अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं बट वहीं जाके आपको हाउस बोट करना है पहली चीज़ और दूसरी चीज़ की ट्राई करना है कि हाउस बोट वाले बंदे मिल जाए उन्हीं का शिकारा मिल जाए तो वो दिखा के आपको ले आएंगे आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा अगर पसंद आए या ना आए हमें नहीं पसंद आया हमें उस ऊपर से पैसे भी देने पड़े सौ रुपए ले लिया पाँच मिनट का बस इस साइड से उस साइड ले गया और उस साइड से इस साइड ले आया बोलता है कि अगर रुकोगे तो हमें ये पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कमीशन हो जाएगा और अगर नहीं रुकोगे तो हमें पैसे दो और एक मिस्टेक है स्कैम तो नहीं बोलेंगे इसको मिस्टेक बोलेंगे कि हमने क्या किया था कि हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरे तो सबसे पहली गलती थी और हमें उतरना चाहिए था उधमपुर तक क्योंकि वो उधमपुर तक गाड़ी जाती है उधमपुर जाने से क्या होगा आपका समय बचेगा आपका पैसा बचेगा उधमपुर से अगर आप बनिहाल के लिए ये लेते हो गाड़ी लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको पाँच सौ रुपये देना पड़ेगा और अगर आप जम्मू से लेते हो तो आपको ग्यारह हज़ार से ग्यारह सौ रुपये हज़ार रुपये मान के चलो कि हज़ार रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा तो हम उतर गए थे जम्मू और जम्मू में भी एक और गलती हम दूसरा क्या कर दिए कि हम तो जिस बस स्टैंड पे हम वहाँ जो जम्मू रेलवे स्टेशन से जस्ट नीचे उतरने पे मिलती है वहाँ से कटरा की बस चलती है लेकिन आपको श्रीनगर का ज़्यादा बस नहीं मिलेगा और हमारा इसी वजह से टाइम वेस्ट हो गया था जिसकी वजह से हम शाम को पहुँचे थे अगर हम उधमपुर उतर जाते तो हमारा आधा दिन कम से कम बच जाता तो ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है आपको जाना है सीधा उधमपुर अगर आप रेलवे से जा रहे हो और कुछ समय बाद तो रेलवे आपको सीधा श्रीनगर छोड़ेगी जो जिसका ट्रायल हो चुका है तो अगर आप बाद में जाते हो अभी नहीं एक दो महीने तक तो नहीं होगी बट एक दो महीने बाद जा रहे हो अगर एक दो महीने बाद वीडियो देख रहे हो तो फिर वहाँ पे जाओ और डायरेक्ट श्रीनगर आप पहुँच जाओगे लेकिन अभी अगर उधमपुर तक जाओगे तो आपके पैसे और समय दोनों बचेंगे तो ये गलती हुई थी हमसे जो कि आप लोग मत कीजिएगा